जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा डिलीवरो का, कि सुनने में आ रहा था कि डिलीवरो रेट कम कर रही है। आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि जो डिलीवरो है वो रेट अपना कम कर रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि यार ये क्या सीन है, रेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो रेट कम वाला सीन है ना, वो जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है। जनवरी में हमें सुनने में आया कि फरवरी में रेट कम हो जाएगा, ठीक है। फरवरी में नहीं हुआ, मार्च आ गया, ठीक है। मार्च में भी नहीं हुआ, अप्रैल आ गया, अप्रैल में माह रमज़ान स्टार्ट हो गया, ठीक है। अप्रैल के लास्ट में मेरे ख्याल से 28th को हमें मेल आ गई थी कि जो डिलीवरी है वो अपना रेट कम कर रही है और नया जो रेट होगा वो 8.75 होगा, ठीक है। मतलब उन्होंने हमें ईद का गिफ्ट दिया था। अभी ईद आती है तो लोग कुछ अच्छा देते हैं हमें, ठीक है। इन्होंने हमारा रेट ही कम कर दिया, मतलब सारा, मतलब टोटली जितने भी लड़के काम कर रहे थे ना, सारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे इस रेट को लेके। यार इसमें किस तरह काम करेंगे, पहले 10-25 था तो सेविंग हो जाता था तकरीबन 3,000। अब पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो दिन ब दिन हाई हो रहे हैं हर माह। इस माह एक्चुअली उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि शायद ईद थी इसलिए उन्होंने कम कर दिया, और कम सिर्फ 7 फिल्स किया है उन्होंने, मतलब अब 3 दिरहम और 52 फिल्स है पेट्रोल 1 लीटर, जो पहले 1 दिरहम और 80 फिल्स हुआ करता था, और उसमें भी हमें सेम रेट मिलता था, 10 दिरहम और 25 फिल्स। अब पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो हाई हुई हैं और इन्होंने रेट कम कर दिया, ठीक है। खैर बस यही था कि दिल नहीं कर रहा था काम करने को, जाते थे, मतलब स्टार्ट तो मई से होना था, ठीक है, लेकिन दिल नहीं कर रहा था काम करने को, मतलब वही ना माइंड में बैठ गया था कि यार इसमें हम किस तरह काम करें। फिर क्या हुआ कि लड़कों ने ना ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिए कि हम 1st, 2nd और 3rd मई को जो है वो हम आईडीज बंद रखेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट में तो था कि एक ग्रुप में तकरीबन 100 लड़के थे, ठीक है, मैं भी उसी में ऐड था, तो मुझे लगा कि यार 1500 राइडर यहाँ पे काम कर रहा है डिलीवरों का, शायद 1500 ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हाँ 1500 तक है। तो अब 1500 में से अगर 100 काम पे नहीं जाएंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन वो हमारी आईडीज जो है ना वो टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है, परमानेंटली हमारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। एक वो डर था मुझे कि यार अगर 100 लड़का काम पे बैठता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर ये ग्रुप बना था तकरीबन दोपहर के 2-3 बजे, शाम तक उस ग्रुप में 250-300 लड़का हो गया। फिर पता चला कि इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ग्रुप बने हुए हैं, 6-7 ग्रुप बने हुए हैं जिसमें तकरीबन 200-200 लड़के जो हैं वो ऐड। शाम तक यही कंफर्म हो गया कि 30 तारीख को 12 बजे के बाद हम आईडीज बंद कर देंगे। मेरी 30 तारीख को छुट्टी थी, ठीक है, मैं घर पे था, मेरे जो रूम के लड़के हैं वो गए हुए थे काम पे, तो वो भी 12 बजे वापस आ गए थे आईडीज वगैरह बंद करके कि भाई जी काम नहीं करेंगे हम लोग। खैर अगला दिन स्टार्ट हुआ 1st मई का, तो सारे लड़के रूम में थे, मेरी भी सुबह 8 बजे ड्यूटी थी, मैं तो 11 बजे, ठीक है। तो कुछ लड़के चले गए थे वो ऑडिशन पे, और जिस तरह जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर निकलते हैं ना वहाँ पे चले गए थे कि कोई लड़का ऑर्डर ना उठाए, क्योंकि अगर 1500 है उसमें से 100-150 ऐसा लड़का निकल आता है जो काम उसको जो भी हो वो काम करने चले जाते हैं, मतलब उनको शायद सही लगता होगा कि भाई ठीक है 8 बजे तक भी ठीक है, शायद वो डर जाते होंगे कि यार किस तरह करेंगे, मतलब वो निकाल ना दें। अब डर तो सबके दिल में था, मैं भी डर रहा था कि यार कहीं आईडीज ना ब्लॉक हो जाए, कि मेरे माइंड में नहीं था कि इस तरह की स्ट्राइक हो जाएगी। अब 1500 लड़का घर पे रूम में बैठा है अपने, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ऑर्डर्स वगैरह जो है वो वहीं पे पड़े रहे, ख़राब होते रहे। फिर उन्होंने क्या किया कि पूरा एडिशन ही क्लोज़ कर दिया, पूरी ऐप जो है वो बंद कर दी उन्होंने, ठीक है, कोई बंदा ऑर्डर भी नहीं करता था। खैर उनको फिर रेस्टोरेंट ने भी कॉल करनी थी कि भाई हमारा यहाँ से बिजनेस आता है तो आपने ऐप बंद कर दी है, ठीक है, पहले ऑर्डर्स पड़े रहे कोई उठाने नहीं आया, अब ऐप बंद कर दी है। तो कुछ जोर उन्होंने लगाया रेस्टोरेंट वालों ने। तो फिर क्या सीन हुआ कि शाम तक तकरीबन हम वहीं बैठे थे सारे, तो मैं वो वीडियोस अपलोड करके जो हम चांद रात की लेने गए थे, सामान वगैरह लेने गए थे, वो अपलोड करके हम चले गए जी बालगढ़ में, वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे हमें मेल आ गई कि आपका जो रेट है वही 10-25 हो गया वापस, और आप लोग अपने 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 जोन में जाके ना अपना काम स्टार्ट करें। तो ये सीन था, मतलब थोड़ा जल्दी बता दिया, 5 मिनट में बता दिया। खैर ये जो वहाँ पे जाके जो स्ट्राइक्स होती रही हैं
उनकी वीडियोस बनी हुई है वो मैं आगे लगा देता हूँ आपके, वो भी देख लीजिएगा आप कि कितना स्ट्राइक हुई है। इस तरह की स्ट्राइक 2011 या 12 में शायद टैक्सी वालों ने की थी। उनका क्या सीन था कि ये जो टैक्सी वाले थे उनको जहाँ पे भी कस्टमर नज़र आता है वो वहीं पे ना गाड़ी रोक लेते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे वाले फाइन दे देते थे। ठीक है, फिर उन्होंने एहतजाज किया इसी तरह के वो कोई भी टैक्सी नहीं निकली थी भाई, कि हमें हमारा ये मुतालबा है आप लोगों से, दुबई पुलिस से और RTA से, कि हमें जहाँ पे कस्टमर नज़र आएगा हम वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके कस्टमर को पिक कर लेंगे। पहले इस तरह नहीं होता था, वो कोई अगर कस्टमर को रोकता था सड़क के दौरान, सड़क के साइड पे मतलब जिस तरह भी, तो वो रोकते थे ना, तो RTA वाला उनको फाइन दे देता था। ठीक है, उन्होंने एहतजाज किया कि हम इस तरह काम नहीं करेंगे कि अगर हम आप लोग हमें इस तरह के फाइन्स देंगे तो। ठीक है, फिर उन्होंने RTA वालों ने और पुलिस वालों को कुछ हुआ हुआ सीन, तो उन्होंने मतलब इनको अलाउ कर दिया था कि आपको जहाँ पे कस्टमर नज़र आए आप उसको उठा सकते हैं, हम आपको फाइन वगैरह नहीं देंगे। वो 2011 या 12 में ये स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद आज की स्ट्राइक हुई थी जो हमारी 2 दिन पहले हुई थी। और आप यकीन करें कोई भी राइडर जो है वो काम के लिए नहीं गया था। डिलीवरों का तलबा तो और क्रीम वाले तो जा रहे थे इजीली, लेकिन डिलीवरों का कोई भी बंदा काम पे नहीं गया था। सारे जो है वो एक दो शायद होंगे जो कर रहे होंगे, अदरवाइज सारे जो थे लड़के वो रूम पे ही थे। और शाम के बाद जैसे ही मेल आया, ठीक है कि वही सेम रेट हो गया है, तो फिर आज मेरी ड्यूटी थी, मतलब आज है आज सेकेंड मई है। ठीक है, ईद का दूसरा दिन अब स्टार्ट हो गया है, सुबह के 4 हो रहे हैं, मैं अभी 4 बजे मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी, मैं वापस आ गया था, लेकिन खैर अब तो 5 बज चुके हैं सुबह के। मैंने कहा वीडियो बना लें और आप लोगों के साथ शेयर कर दें। बाकी ये जो कुछ वीडियोस हैं जो स्ट्राइक के दौरान ली गई थी लड़कों ने, कि हम लोग किस तरह मतलब ऐप्स बंद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जो सीनियर थे हमारे, मतलब जो काफ़ी सालों से डिलीवरो में काम कर रहे हैं, मुझे तो 1 साल हुआ डिलीवरो में, पहले मैं किसी और कंपनी में काम करता था, उन्होंने ग्रुप बनाए थे, उनका ये माइंड था कि हम इस तरह की स्ट्राइक करेंगे। तो कुछ वीडियोज़ हैं वो आप देख लें कि किस तरह की स्ट्राइक हुई है। और अभी फाइनल ये हो गया, कंफर्म हो गया कि अब जो हमारा रेट है वो 10-25 ही चलेगा आगे, और ग्रुप उसी तरह बने हुए। अगर फिर उन्होंने इस तरह का कुछ किया तो फिर वही ये सीन है कि लड़के काम पे जाना बंद कर देंगे, फिर ये कर देंगे शायद जब कुछ और सीन हो जाए। जैसे हम लोग डर गए थे कि जब उन्होंने एडिशन बंद की है ना, तब थोड़ा सा डर लगा कि यार इन्होंने एडिशन ही बंद कर दिया, मतलब ऐप वगैरह बंद कर दिया, अगर इन्होंने रेट बढ़ाना होता तो आज ही रेट बढ़ा के लड़के जो थे वापस काम पे चले जाते। अब इन्होंने एडिशन भी बंद कर दी है, बंद कर दिया, तो फिर थोड़ा सा डर लगा कि यार ये फिर कुछ बड़ा ही सोच रहे होंगे कि कुछ और करते हैं, मतलब इस तरह का कोई सीन, फिर इस तरह के थॉट्स आ रहे थे मेरे जहन में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड यही हुआ कि राइडर्स की जीत हो गई, कि वो जो रेट था वो हमें पुराना मिल गया। कुछ राइडर्स पता क्या कह रहे थे कि यार अभी इन्होंने 10-25 पे हम लोग काम पे नहीं जाएंगे, 10-25 तो ये मान गए हैं, हम 10-25 पे भी काम पे नहीं जाएंगे, इन्हें हम कहते हैं कि हमारा रेट जो है वो 12 दिन हम करें। ठीक है, अभी 12 दिन हो जाता तो शायद अगर हम आज का दिन भी काम पे नहीं जाते तो शायद ये कर देते शायद, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता कि मतलब हम पर पहले मुतालबा किया था कि हमें वही पुराना रेट वापस करें 10-25, अब 10-25 उन्होंने वापस कर दिया, हम फिर से करें तो फिर अच्छी बात नहीं थी। तो इस तरह का था सीन, सारे न्यूज़ पे भी आ गया था, गुल्फ न्यूज़ पे आ गया था, खलीज टाइम पे आ गया था, हर जगह पे आ गया था। तो मतलब बात जो थी वो काफ़ी ऊपर तक चली गई थी शायद, इसकी वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अब सब लड़के काम पे भी थे, आज काम भी अच्छा था, ईद का दिन था, तो कल मेरी ड्यूटी 2 बजे होगी, तो फिर 2 बजे ही मिलते हैं काम पे। बाकी आप ये वीडियोस देख लें जो ग्रुप्स में आती रही हैं, वो मैंने एडिट करके डाल दी हैं आगे, ठीक है, अब आप देख लें। बाकी कल मिलते हैं अभी सुबह इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक। आज तो हड़ताल शुरू हो गई है, सब बॉक्स लथ रहे ने भरावो, देख लो है सब A1, आज तो तैयारी है, हुण तो ही कम दाने दे आ, याद हो रेट 10 सच्ची, ए देख लो मैकेनिक स्पेशल सजाया होया, देखो सारे बॉक्स लाई जांदा, इस दुख च कोई जावे ही ना, नहीं नहीं बंदे चल जांदे कई, तो बाकी असी सारे दोस्तां दे ना बॉक्स खुद ही लाई जांदे पए आ, कि चलो कम दे ना ही जान, एक लाता रेट मंजूर है।
इंशाल्लाह ताला कल ऐप बंद होएगी सारे भाइयों की इंशाल्लाह। छोटी छोटी ग्रुपां दे भेज रहे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों नूं, की हाल चाल है? ठीक है, वेख लो जी बर्षा एडिशनल ते सारे भाई खड़ते हुए वेख लो जी हड़ताल की हुई है, सब भाइयों ने एप्लीकेशन बंद की हुई है। कुछ राइडर अपने जो है ऑर्डर चुक रहे हैं पर असीं उन्हां नूं कह रहे हैं कि ना चुको, उस दे बावजूद भी अंदर जा रहे हैं। देखो जी सारा डिलीवरो दा मुंडा खलोता होया इत्थे जी, सारे भाई खलोते हुए हैं। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 5 6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਡਿਲੀਵਰ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਐਪ ਬੰਦ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਐਪ ਬੰਦ ਆ, 3 ਦਿਨ ਐਪ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 12 ਘੰਟੇ ਸਕੇਜੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਹੀਨਾ ਲੰਘੇਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵਿੱਚ, 13 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ, ਆਰਡਰ ਤੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਆਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਭਾਈ, ਆਰਡਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, 13 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ। ਇਤਜਾਜ ਕਰੋ, ਇਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਰੂਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਅਦ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਪ ਬੰਦ। ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਜਨੋ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਰਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਵਧਿਆ ਵਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। हम लोग पागल हैं जो इधर रुका हुआ है, उधर आराम से मैं काम करना चाहेंगे। अब ये देखो लोटा अभी ऑर्डर उठा के जा रहा है, देखो ये नून लिखी लोटा है, ये शफार वाली को टोपी से उठा के जा रहा है नून लिखी लोटा। तलाबाद के सारे राइडर खड़े हैं इधर, डिलीवरों का कोई भी नहीं राइडर इधर, भाई एडिशन बंद है, एडिशन बंद है, तीनों एडिशन बंद है।